देखिए एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ देता है, पारिस्थितिक वैलिडिटी क्या है, यानी पारिस्थितिक वैधता, इकोलॉजिकल वैलिडिटी के बारे में लिखिए। तो इसके बारे में जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जान लेते हैं तो फिर इन चीज़ों को लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। या तो आप बुक पढ़िए या फिर इस वीडियो को देखिए, दो ही तरीके हैं। 1970 वाले दशक में मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोधों की परिस्थितिक परक वैधता यानी इकोलॉजिकल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए एक आंदोलनात्मक प्रयास सा हुआ। परिस्थितिक वैधता पद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निसेर यानी 1976 में उन्होंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा होड़ लगाया। और परिस्थितिक वैधता से तत्पर संज्ञान के सिद्धांतों के वैसे प्रयासों से होता है जिनके माध्यम से व्यक्तियों को ज्ञान का उपयोग दिन प्रतिदिन के वास्तविक तथा सांस्कृतिक रूप से सार्थक परिस्थितियों में किया जाता है। हालांकि इस तरह के प्रयास का मतलब यह कदापि नहीं है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोधकर्ता अपने आप को प्रयोगशाला तक ही सीमित रखे, बल्कि अर्थ यह है कि आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक इस ढंग से भी आंकड़े इकट्ठा करें तथा परिणाम को तैयार करें जिसके माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चलता हो कि व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की वास्तविक जिंदगी में भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग कर उनका फायदा उठाता हो। वैसे जैसे प्रयोगशाला में संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक द्वारा अध्ययन करना कि व्यक्ति असंबंधित शब्दों को किस तरह से याद करता है के आधार पर मानव स्मृति की क्षमताओं के बारे में सही ढंग से पता नहीं चलता, क्योंकि असंबंधित शब्दों को व्यक्ति केवल एक अस्वाभाविक परिस्थिति में याद करता है। यहाँ हम लोगों की रुचि यह जानना होता है कि लोग किस ढंग से अपनी स्मृति तंत्र का उपयोग उन परिस्थितियों में करते हैं जिनमें उन्हें स्मृति उपयोग करना होता है। इस तरह से आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन में काफ़ी अधिक रुचि दिखाने लगे हैं कि किसी पाठ्य पुस्तक से किसी अध्याय को व्यक्ति किस तरह से सीखता है, अध्ययन करता है तथा उसे याद करता है, न कि इस बात में कि असंबंधित शब्द की सूची से जिससे उस बार बार एक बार दिखलाया गया था कितने शब्दों का प्रत्याहार करता है। निष्कर्ष है ना, यही है कि आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने शोधों एवं प्रक्रियाओं की पारिस्थितिक परक वैधता यानी इकोलॉजिकल वैलिडिटी को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि इन मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता दिन प्रतिदिन की वास्तविक परिस्थिति में भी स्पष्ट रूप से साबित हो सके। और आजकल जो है ना, जो परिस्थितिक परक वैधता है इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है वो पूर्ण रूप से अपना काम शुरू कर रहे हैं और पूर्ण